क्या आप जानना चाहते हैं कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा? लव, मैरिज, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, बिजनेस को लेकर आने वाला महीना आपको क्या देकर जाएगा? आपकी राशि में आने वाला जो महीना है वो आपको शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा? शुभ परिणाम देगा तो उनको और कैसे बढ़ाया जाए और अधिक फायदा कैसे लिया जाए, और यदि अशुभ परिणाम है तो उनको कम करके उनको शुभता में कैसे बदला जाए, वो सब यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं वो सब आपको बताने जा रहा हूं। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि आने वाले महीने में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मिक्स रहने वाला है, यानी कि उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। आपको कई मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक मसलों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची रहने की संभावना है। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है तो वह मध्यम रूप से आपको धन प्राप्ति कराता रहेगा। महीने के शुरुआत में, यानी कि जो पहले 15 दिन है उसमें समस्याएं अधिक रहेंगी, लेकिन जो सेकेंड हाफ रहने वाला है उसमें आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी। इस महीने मिथुन राशि के लोगों को कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। लंबी यात्राएं थका देने वाली होंगी। नौकरी में कठिन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए विदेशी माध्यम से, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनने की संभावना बनती है और उसमें लाभ भी नजर आता है। ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टॉक मार्केट आदि में लाभ होते हुए नजर आते हैं। यदि हम बात करें लव, मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर, तो ये महीना आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आने वाला है। फैमिली के अंदर रिलेशनशिप स्ट्रोंग होगी। यदि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि आपकी शादी की बात चल रही है, कोई रिलेशनशिप है तो शादी हो सकती है। और यदि आप अनमैरिड हैं और काफी समय से शादी के बात नहीं बन पा रही थी या रिश्ते टूट जाते थे, तो इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए शादी के योग भी बनते हैं। यदि हम बात करें कि इस समय आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना मिला जुला रहने वाला है, लेकिन इस महीने आपको अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आउट ईटिंग ना करें और आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, अन्यथा आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ काफी चैलेंजिंग रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपका ड्रीम, चाहे वो आप हायर एजुकेशन का हो, विदेश जाना हो, जॉब की बात हो या फिर मनपसंद ट्रांसफर की बात हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना वृषभ
मिथुन राशि के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला असर देगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों यदि आपके मन के अंदर भी कोई प्रश्न है या कंफ्यूजन है, ये जीवन के अंदर और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और आप सभी प्रयास कर चुके हैं लेकिन आप उसका समाधान चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें अपनी एक्यूरेट बर्थ डिटेल शेयर करें और आपकी जो भी क्वेरी है उसको लिखें। हमारी टीम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपको रिप्लाई करेगी। दोस्तों यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का नाम लिखकर भेजें, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियोज जीवन के जो सभी क्षेत्र होते हैं, व्यक्ति जब पैदा होता है मां से लेकर अंतिम समय तक जो जो जीवन में परिस्थिति आती है, समस्याएं आती हैं, उन सभी वीडियोस का एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक समाधान पर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप अपनी समस्या से संबंधित वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।